हमारे बीच में है जिला लखीमपुर खीरी से राष्ट्रीय किसान यूनियन के जिला प्रवक्ता बलवीर सिंह बल्ली जी। आइए इनसे पूछते हैं कि आप ये बताइए, संजय सिंह को जो अभी जो निलंबित कर दिया गया है और मणिपुर की जो घटना है, दिल्ली में जो घटना घटित हुई है, इस पर आपका क्या राय है और आप इसमें क्या करना चाहेंगे? देखो जी, मेरा केले का राय नहीं, ये पूरे देशवासियों की राय है कि हमारे देश में सच बोलना ही जुल्म है। अगर कोई सच बोल दे तो उसकी सजा ख़त्म कर दो। संजय सिंह ने कौन से ऐसी बुरी बात कही? भाई, देश के प्रधानमंत्री जी है और मणिपुर हमारा जल रहा, बेटियों की इज्जत लूटी जा रही, लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, बिल्कुल टांडो हो रहा, और आप विदेश में घूम रहे, और जे आप घूम के देश में आए हो तो आपको कहा गया भाई सदन में बैठ के स्पष्टीकरण दो जी। आखिरकार मेरे देश में या प्रदेश में भी किसी भी बेटी का हरण होता है तो मैं समझता हूँ बड़ी दुख की बात है। जो हमारी बहनें हैं वो हमारे देश की धरोहर है। अगर हम बेटियों की इज्जत नहीं बचा पाए तो हमारे देश में लोकतंत्र क्या बचेगा? और अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि सच बोलने की सजा दी गई है संजय सिंह को, कि आप मणिपुर पे कोई बात करोगे या देश इसमें कोई भी बात करेगा तो उसकी सदस्यता ख़त्म हो जाती है। तो इससे हमें ये नहीं लगता कि उनको बर्खास्त कर देने पर ये लोग इस मोदी जी जो है और बीजेपी सरकार को शायद इससे कोई छुटकारा पाएंगे या इसको लोग शांत पूर्वक देखेंगे? देखो जी, मेरा देश में बड़े सोच और समझदार जनता बैठी है जी। कितना भी ये झूठ बोल ले, कितना भी मोदी मीडिया झूठ बोल ले, लोग सब सच को समझने लग गए हैं। अभी थोड़े दिन पहले पहलवान बच्चियों के साथ क्या हुआ, और तानाशाही लोगों ने उनको डरा धमका के उनका आंदोलन भी कुचल दिया और उनसे उल्टा सीधा बयान लेके वो सारा मामला ही ठंडा कर दिया। तो ये मणिपुर की जो घटना है, ये दोस्तों बीजेपी की सोची समझी साजिश है, इसलिए कि कुछ परसेंट राखवीकरण कभी किसी को दे देते, कभी किसी को दे देते, तो उसी के लेके इन्होंने एक बवाल बनाया और वहाँ आपसी दो समुदायों में जो भाइयों की तरह रह रहे थे, आज वो एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। इस पे इनको शर्म आनी चाहिए। और अमन शाह जी वैसे तो बहुत बातें करते हैं, पंजाब पे बोलते हैं, जम्मू कश्मीर पे बोलते हैं, तो आप मणिपुर में जाके अपना वहाँ दौरा करें, लोगों को शांत कराएं, मुखिया हैं, उनका हक बनता है। संकटों के साथ बड़ा दुख है, बहुत हमारे दिल के अंदर चोट है, और मैं अपील करता हूं अपने प्रधानमंत्री जी को कि राजनीति छोड़ो, देश नीति की बात करो। आप कह के आए थे कि बहु बेटियों को मैं सुरक्षित करूंगा, वहां नंगन हमारी बच्चियों को किया गया, तो इससे बड़ा कोई जुल्म नहीं। हमारे मुंह से वो लफ्ज नहीं निकलते जो वहां हुआ, और वहां वीडियो वायरल होगी तो आप कह रहे विपक्ष ने किया, तो इसका मतलब आप जितनी भी दुर्घटनाएँ हो रही वो दबा देना चाहते हो, सच सामने नहीं आ देना चाहते। ये बताइए, जो सारे दल इस समय एक होकर जो संगठन बना के जो आवाज़ उठा रहे हैं, ये सही है गलत है आपके लिए, आपके नज़र में क्या है? देखो जी, ये देश को विपक्ष सही दिशा में लेके जा रहा, हम सबका वेलकम करते हैं, और बड़ा अफसोस हुआ कि जितने संगठन एक हुए हैं उनमें बड़े बुद्धिमान और राजनीतिक लोग हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जैसे किसानों को माओवादी और इतने दलों से कहा था इनको पाकिस्तान से आ रहा है, आज वही नाम उन लोगों के रख दिए जाए, ये पाई फाई हैं, ये वो संगठन है, ये उग्रवादी लोग हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी, बड़ा अफसोस है, जो माने हुए व्यक्ति हैं, कोई विधायक है, कोई MP है, कोई MLA है, कोई पहले उन देशों के प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं, आप ऐसे नवाज रहे हो, तो आपने तो राहुल गांधी की सदस्यता ख़त्म की, लेकिन कायदे से मैं देश की जनता को अपील करना चाहता हूं कि 24 में हमारे प्रधानमंत्री की ही सदस्यता हासिल कर दी जाए, अब ये देश के प्रधानमंत्री रहने के योग नहीं। बहुत दुख होता है कि विपक्ष को आप इन बातों से नवाजोगे। आप एक मुखिया हैं, मुखिया का काम होता पूरे देश को साथ लेके चलना, अगर वहाँ की बच्चियों के साथ बुरा हुआ तो आप तुरंत मणिपुर का दौरा करिए, वहाँ जाके बच्चियों का हाल पूछिए और वहाँ शांति कराइए, ये आपकी ड्यूटी है। एक तरफ तो आप कहते हो मैं संत सिपाही हूँ, मैं न खाया है न खाने दूंगा,
और जब देश में आग लगती है तो आप विदेशों में दौरा करते हैं। कैसे प्रधानमंत्री आप NRI प्रधानमंत्री हैं कि जहाँ हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, ये स्पष्ट करें। मोदी जी से बार बार यही सवाल पूछा जाता है कि आप आइए, स्पष्टीकरण दीजिए, बात करिए, लेकिन नहीं आना चाह रहे हैं। इसके क्यों नहीं आना चाहते हैं, क्या बताएंगे क्यों नहीं आना चाहते हैं? ऐसी क्या मजबूरी है प्रधानमंत्री जी को जो आने से? देखो जी, बहुत बड़ी मजबूरी है कि जब आगे उन्होंने लगाई है तो अब सच सारा विपक्ष सच पूछना चाहता है, तो आके वहाँ सच बताना पड़ेगा, तो सच बहुत कड़वा होता है। तो सच बोलने से बचने का यही तरीका है कि वहाँ आइए ना और विपक्ष के सिर पर ठीकरा फोड़ दो कि वो सदन को चलने नहीं देते। भाई आप जिम्मेदार हो, आप प्रधानमंत्री राजा होता है देश का और प्रजा के साथ उसका तालमेल तो बिल्कुल माता पिता ऐसा होना चाहिए, और आप चुने हुए सदस्यों को तानाशाही दिखा रहे, उनकी सदस्यता ख़त्म कर रहे, आपके खिलाफ़ कोई बोल दे उसके यहाँ ED CD क्या क्या आपके महकमे हैं, ये क्या हो रहा? मुझे लग रहा दोस्तों, देश हिटलर शाहों के हाथ में आ गया है, देश लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ी जाएगी। और हमारे राष्ट्रीय नेता डिकैत साहब जी रात दिन घूम के जनता को जगा रहे हैं। मैं पूरे देशवासी की जनता को अपील करना चाहता हूं कि किसान यूनियन से जुड़िए, मजबूत करिए, और यही संगठन ही आपका भला कर सकते हैं, बाकी ये लटेरे आपका भला नहीं कर सकते। मेरी ये जनता से हाथ जोड़ के अपील है, जय हिंद जय भारत, और किसान मजदूर एकता, जिंदाबाद जिंदाबाद।